कोविड काल में उद्यम सारे बर्बाद हो गए, ऐसे में उद्यमियों को बहुत उम्मीद थी इस बजट से। फरीदाबाद के उद्यमियों की अलग अलग राय है बजट को लेकर। कुछ उद्यमी बजट से खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो कुछ नाराज भी हैं और ज़्यादा उम्मीद कर रहे थे वित्त मंत्री से। बजट को लेकर फरीदाबाद के उद्यमियों से बात की हमारे सहयोगी विनय सिंह ने। वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर फरीदाबाद के उद्योगपति क्या सोचते हैं, फिलहाल मैं IMT फरीदाबाद में हूँ और यहाँ पे तमाम जो उद्योगपति हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। वो क्या सोचते हैं कि उद्योगों को क्या फिर से बूस्ट मिल पाएगा या फिर कुछ उम्मीदें थी इनको इस बजट से? सर, चूंकि कोरोना के बाद ये बजट पेश किया गया है, कोरोना काल में उद्योगों पे खासकर उद्योगपतियों को काफ़ी देखने को मिला, मार झेलनी पड़ी आर्थिक रूप से। अभी आप लोग को लगता है क्या कुछ इस बजट से बूस्ट मिल पाएगा आप लोगों को? जी डेफिनेटली, सबसे पहले तो मैं मैडम निर्मला सीतारमण जी को बधाई दूंगा हमारे देश के पहले डिजिटल बजट के लिए। 9.5% का फिजिकल डेफिसिट है और 6.5% के टारगेट के साथ बहुत बड़ी बात है। डेफिनेटली इंडस्ट्रीज़ ने बहुत बुरा टाइम देखा और इंडस्ट्री ने क्या पूरे देश ने बहुत बुरा टाइम देखा है, चाहे वो सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन हो, इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस हो, चाहे आम आदमी की सैलरी हो, सब पे बहुत बुरा टाइम बीता है। और सरकार ने जो बजट ऐसे टाइम पे प्रस्तुत करा है तो हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन बेनिफिट लग रहा है इसमें आपको, कैसे आप लोगों को बूस्ट मिल पाएगा? जी डेफिनेटली, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन की उम्मीदें नहीं थी, लेकिन हाँ, जो गंभीर समस्याएं थी वो थी रॉ मटेरियल को लेके। स्टील इंडस्ट्री, जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री थी, वो रॉ मटेरियल प्राइसेस को लेके बहुत भयंकर दुविधा में थी, क्योंकि पिछले 5 महीने से लगातार हर महीने प्राइस बढ़ रहे थे, 60-70% प्राइस बढ़ चुके थे और अभी भी बढ़ते जा रहे थे। लेकिन सरकार को हमने पहले मीडिया के थ्रू भी और रिटर्न में भी हमने रिक्वेस्ट करी, सरकार ने उसको बहुत संजीदगी से एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी को भी और डोमेस्टिक ड्यूटी को भी एड्रेस किया है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी स्टील के, प्लास्टिक के प्राइसेस जो है बहुत जल्दी कम होंगे। ये बताइए कि क्या आप लोग कुछ जो बजट में पेश किया गया इसके अलावा भी कुछ और उम्मीदें थी जिससे कि बूस्ट मिल सकता आपके उद्योगों को? मतलब हमारी उम्मीद थी कि स्लैब में कुछ ना कुछ जरूर बढ़ाएंगे स्लैब को, लेकिन स्पेशली MSME के लिए कोई खास कुछ नहीं किया है। क्या मतलब क्या उम्मीदें थी स्लैब, किस तरह का स्लैब? जैसे पहले 2.5 लाख से 3 लाख है, फिर 5 से 10 तक है, 5 से 7.5 है, ऐसे मतलब ये सोचते थे कि मिनिमम 5 लाख तो हो ही जाएगी कम, लेकिन स्लैब में कोई चेंज नहीं किया। और दूसरा, जो ये 75 ईयर्स के बाद रिटर्न नहीं भरनी, अभी नेक्स्ट ईयर तो इस साल तो भरनी पड़ेगी, अगले साल तक 75 ईयर्स वाला बंदा रहता है, नहीं रहता कोई खास ज़्यादा बेनिफिट है। ये बताइए कि उद्योगपतियों के लिए एक सबसे अहम चीज़ होती है कच्चा माल, तो आप लोग क्या लगता है कि कच्चे माल को अगर आप लोग खरीदते हैं या बेचते हैं उसमें कुछ आपको बेनिफिट दिख रहा है, ताकि जो प्रोडक्शन है उस पर किस तरह का असर दिखेगा इससे? देखो जी, कच्चे माल में अभी फिलहाल रेट जो कम हो रहे हैं उससे बेनिफिट होगा ही होगा इंडस्ट्रीज़ को, उससे हमारी सेल परचेज भी प्लस जाएगी और महंगाई भी कम होगी, तो मार्केट में अपने आप ही अप जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी इससे। हाँ, एक सवाल लगातार ये हो रहा था कि उद्योगपतियों के पास पैसा आएगा तो वो उसको अपने उद्योग में लगाएंगे, क्या लगता है इस बजट में कुछ ऐसा प्रावधान किया गया जिससे आपकी जो एक्सपेंस है वो कम हो, आपका टैक्स कम हो, ताकि आप जो पैसा बचेगा उसको अपने उद्योग में लगा सकें? तो इन्होंने मेरे ख्याल से कोई चेंज नहीं किया है, वैसे करना चाहिए था। जैसे ऑटोमोबाइल्स पर अभी GST 28% की हुई है, उसमें करने की बात हो रही थी पीछे, बट हुई नहीं है मेरे ख्याल। कम आप सोच रहे थे कम हो आप लोग शायद, हो सोच रहे थे कम तो हो, 18% में आने की बात हो रही थी पहले तो, बट हुआ नहीं। क्या आपको लगता है कि किस तरह का बजट है ये उद्योगपतियों के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि उद्योगपतियों के लिए बजट काफ़ी अहम रहता है, क्योंकि उनके लिए कुछ आता है कुछ जाता है, क्या आपको लगता है इस बार क्या आया और क्या गया है? देखिए, अभी सही एग्जैक्ट रिएक्शन देना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बजट में बहुत ज़्यादा चीज़ें फाइन प्रिंट्स में होती हैं जो 2 दिन में 3 दिन में या 15 दिन में समझ में आती हैं, और नोटिफिकेशन अलग से इशू होते हैं। अब एक छोटी सी उम्मीद हमने डिमांड रखी हुई थी बजट में, जब कोई भी छोटी फैक्ट्री अपनी बड़ी फैक्ट्री करता है, पुरानी जगह को बेच के नहीं लेता है तो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, घर पे बेच के घर ले सकते हो आप, उसमें कैपिटल गेन टैक्स रिबेट है, लेकिन इंडस्ट्री अगर ग्रो करना चाहती है उसमें आज तक इन्होंने कोई सोचा ही नहीं है, वो उस डिमांड का बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जबकि उससे इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता। सर, एक सवाल कि क्या आपको लग रहा है बजट में, क्या आप लोगों को लग रहा है कि बूस्ट मिलेगा? कोरोना के टाइम में आप लोगों ने बहुत आर्थिक तंगी झेली है, उद्योगों को काफ़ी देखा था कि चपेट में आए थे उद्योग धंधे, अभी लग रहा है आपको बूस्ट मिलेगा कुछ? देखो, दो बातें हैं जिसमें कि बूस्ट मिलने का पूरा हमारे को यकीन है और उम्मीद भी है, कि जो इन्होंने स्क्रैप पॉलिसी लागू करने जा रहे हैं उससे क्या होगा कि व्हीकल सीमित समय तक स्क्रैप हो जाएंगे, तो इसका मतलब उनकी नई व्हीकल्स की डिमांड आएगी, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है ना नेचुरली ऊपर उठेगा। मैं तो एक बात जानता हूँ कि जब कर यूथ को हम स्किल
हैंड नहीं करेंगे, उनको स्किलिंग उनकी इंप्रूव नहीं करेंगे तो यूथ जो है ना अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। मैं कई सालों से स्किल डेवलपमेंट को देख रहा हूँ और मुझे इस आशा यह है कि रॉ मटेरियल के अगर रेट कम होंगे और स्क्रैप पॉलिसी में व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी तो इसका मतलब ये होगा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बढ़ेगी। इंडस्ट्री बढ़ने का मतलब यह है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगी तो किसको मिलेगी, ट्रेंड आदमी को ज़्यादा उसके चांसेस हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा मूव है और यूथ को जो है ना अपने स्किल को इम्प्रूव करने का और रोज़गार उपलब्ध करने का अवसर मिलेगा। तो ये फरीदाबाद के उद्योगपति हैं और इनके क्योंकि अलग अलग सबके उद्योग हैं और इसलिए सबके लिए बजट के अलग अलग मायने हैं। कुछ लोगों को बजट से कुछ ज़्यादा उम्मीद थी और कुछ लोग बजट से संतुष्ट दिख रहे हैं। विनय सिंह, टोटल न्यूज़, फरीदाबाद।